मॉर्निंग जुहार, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे फ्रेंड। और जुहार मांती जी का चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड। तभी सुबह का 5:30 बज रहा है और मैं उठ चुकी थी, और अभी बच्चे और हस्बैंड जी तो सोए हुए हैं, अभी छुट्टी है, तो भी मैं सोची कि चलो ये लोग को सोने ही देती हूँ, उसके बाद मैं बाहर वाला काम सब कर लेती हूँ। तो सबसे पहले तो बाहरी रूम आ गई हूँ, पूरा बेडशीट सबको भी झाड़ूंगी अभी, तो टेबल क्लॉथ सबको भी झाड़ रही हूँ। और अभी गर्मी जब से बढ़ गई है तब से मेरा मॉर्निंग और इवनिंग रूटीन में चेंज कर ली हूँ थोड़ा बहुत। तो हर चीज़ तो प्रकृति का ही हिसाब से ही चेंज होता है, घर का काम हो या कुछ भी चीज़। अभी ठंडी का दिन रहता है तो धीरे धीरे ही काम होता, और अभी गर्मी का दिन है तो लगता है कि जितना जल्दी 8 बजते घर का काम हो जाए उतना ही अच्छा लगता है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा धूप हो जाता है। तो अभी देख सकते हैं फ्रेंड, अभी सोफ़ा कवर सब मैं झाड़ ले रही हूँ, और झाड़ने के बाद अभी मैं झाड़ू भी लगाऊँगी। और बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा था कि आप कहाँ से हो बोल के, तो मैं बताना चाहती हूँ कि मैं रांची झारखंड की हूँ, और अभी फ़िलहाल रहती हूँ मध्य प्रदेश के सिंगरौली ज़िले में। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग का क्वेश्चन का आंसर मिल चुका होगा। और अभी इधर देख सकते हैं फ्रेंड, मैं भी जल्दी जल्दी से काम कर लेती हूँ। और आप लोग का छोटा छोटा ये सब कमेंट पढ़ के बहुत ही अच्छा लगता है कि आप लोग थोड़ा सा मेरे लिए समय निकाल के कमेंट करते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है, थोड़ा सा मोटिवेट होती हूँ मैं। और इधर देख सकते हैं फ्रेंड, अभी जल्दी जल्दी से मैं इधर बाहर रूम पूरा अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं चलूँगी अंदर रूम क्लीन करने के लिए। और पुराने सब्सक्राइबर लोगों को तो पता है कि मैं कहाँ से हूँ, मगर न्यू सब्सक्राइबर लोगों को नहीं पता है कि मैं कहाँ से हूँ। तभी आप लोग को उत्तर मिल गया है कि मैं कहाँ से हूँ। और इधर देख सकते हैं अभी फ़ोन भी आ रहा है सुबह सुबह ही, और अभी घर से ही फ़ोन आ रहा है। और अभी इसी तरह से, मतलब घर गांव में तो जल्दी ही सबको सो के उठ जाते हैं, तो इसी तरह से बातचीत मेरा होते ही रहता है, और मेरी देवरानी ही बात कर रही है मेरे साथ। और इधर देख सकते हैं कि जो सेकंड बेडरूम है इसका भी ब्लैंकेट को मैं मोड़ देती हूँ, और अभी एसी चलता है फ्रेंड, तो उसी के कारण अभी यही वाला ब्लैंकेट अभी हम लोग ओढ़ते हैं। और ये वाला ब्लैंकेट हम लोग का 12 महीना यूज होता है हर समय, अभी ठंडी हो या गर्मी हो, गर्मी में भी एसी चलता है तो आधी रात को ठंडा लगता ही लगता है, बोल के मोटा ही वाला ब्लैंकेट को बाहर रखी हूँ मैं। और इधर देख सकते हैं बेड को भी मैं झाड़ ही ली हूँ। और आप लोग मेरे वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए फ्रेंड, और मेरे चैनल में आप लोग पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी तो नोटिफिकेशन आप लोग के पास पहुँच जाएगा। तो चलिए फ्रेंड, अभी जल्दी जल्दी से मैं काम कर लेती हूँ। और अभी इधर हस्बैंड जी सुबह सुबह एकदम ताज़ी ताज़ी सब्जी लेके आ गए हैं मार्केट से, और हम लोग का लोकल मार्केट सुबह ही से लग जाता है, तो इधर देख सकते हैं फ्रेंड एकदम पूरा फ्रेश दिख रहा है सब्जी। तो सब्जी में भी लौकी लाए हैं, नेनुआ है, और देसी वाला खीरा, जो कि बच्चे लोग इतना ज़्यादा पसंद आता है कि दिन भर में कितना खीरा खा जाते हैं वो लोग को खुद ही पता नहीं चलता है। और साथ में बैंगन, आम लेके आए हैं, तो सारा सब्जी को भी मैं अभी धुलने के लिए ले जाऊंगी। और इधर देख सकते हैं घर का झाड़ू पोछा हो जाने के बाद मैं खिड़की दरवाज़ा इसी तरह से पूरा बंद कर देती हूं, ताकि एकदम बाहर का धूल वाला हवा ना घुसे, और बहुत ही ज़्यादा डस्ट आ जाता है, तो इसीलिए मैं दरवाज़ा सब बंद कर देती हूं। और देख सकते हैं सारा सब्जी को भी मैं धुलने के लिए ले जाऊँगी, और इसी तरह से अभी मतलब जब भी सब्जी लाती हूँ तो धुल के ही रखती हूँ। तो इधर देख सकते हैं फ्रेंड, सब्जी भी धुला गया है, और इसको भी मैं पंखे के नीचे ही रख दूँगी सूप में करके। और एकदम छोटे छोटा वाला बैंगन मिला है, जो कि खाने में बहुत ही अच्छा लगता है, एकदम टेस्टी लगता है ये बैंगन। और अभी गर्मी के समय है, तो गर्मी के समय तो बैंगन में थोड़ा कीड़ा दिखता है ज़्यादा ही, ठंडी में तो उतना पता नहीं चलता है मतलब बैंगन में। और इधर देख सकते हैं सारा सब्जी को सूप में करके अभी मैं रख दूँगी अच्छे से, मतलब सूख जाएगा, उसके बाद फिर पन्नी में करके फ्रिज में रख दूँगी। इसी तरह से सब्जी सबको रखना पड़ता है। और अभी एक साइड कर देती हूँ, और बच्चे लोग भी उठ गए हैं, तो हस्बैंड जी का भी फरमाइश हो रहा है कि चलो आज कुछ अलग बना के खिलाओ। तो अभी देख सकते हैं फ्रेंड, मैं रात को ही
उड़द दाल को मैं भिगने के लिए रख दी थी और इधर दही भी मैं रात को ही जमने के लिए रख दी थी, तो दही भी जम चुका है और इसको सेट होने के लिए मैं फ्रिज में रख दूंगी ये घटना के लिए। जब तक मैं इधर दही बड़ा बनाने का तैयारी करती हूँ तब तक दही भी सेट हो जाएगा। और इसी तरह से आज बोल रहे हैं कि दही बड़ा खाएंगे और गर्मी का दिन है तो बहुत ही ज़्यादा, मतलब अभी लस्सी ही बच्चे ज़्यादा पी रहे थे, दही जमा रही थी, तो हस्बैंड जी बोल रहे हैं कि नहीं आज दही बड़ा बनाओ। इधर देख सकते हैं अभी उड़द दाल को भी मैं दरदरा ही पीस लेती हूँ फ्रेंड, तो देख सकते हैं इसी तरह से हल्का हल्का ही मैं दरदरा ही पीसूँगी और पानी मैं उतना डालती नहीं हूँ, पानी डालने से थोड़ा सा गिल्ला हो जाता है बोल के, और उड़द दाल तो जल्दी पिसाता भी नहीं है, थोड़ा सा मुश्किल होता है उड़द दाल पीसने में। तो इधर देख सकते हैं फ्रेंड उड़द दाल भी मेरा अभी पिसा ही गया है, लास्ट बार है, तो इधर देख सकते हैं उड़द दाल मैं पीस ली हूँ। अब इसमें मैं थोड़ा सा डालूँगी साबुत वाला जीरा जिसको मैं हाथ से थोड़ा सा इस तरह से मल लूँगी, और इधर अभी थोड़ा सा नमक डालूँगी स्वाद अनुसार, और थोड़ा सा डाल दूँगी मैं चाट मसाला जो मैं दही बड़ा के ही लिए बनाई हूँ अलग से स्पेशल उस मसाला। और अभी मैं डाल देती हूँ लाल मिर्च पाउडर, और लाल मिर्च पाउडर डालने के बाद अच्छे से मैं इसको मिक्स करके छोड़ दूँगी 10-15 मिनट जैसे, ताकि अच्छे से मसाला भी भीन जाएगा। और इधर देख सकते हैं अभी मैं छत आ गई हूँ, और छत आने के बाद इधर बाबू ही पूरा फूल पौधा में पानी दे देता है, जिस दिन इसका छुट्टी रहता है उस दिन मतलब एक काम से हमको छुटकारा मिल जाता है। और अभी बोल रहा है कि मम्मी मैं टमाटर तोड़ दूँगा, और इसको अच्छा लग रहा है लाल लाल देख के। तो इधर देख सकते हैं फ्रेंड ये टमाटर तोड़ने के लिए इतना ज़्यादा खुश है कि आप लोग देख ही पा रहे हो फ्रेंड, और एकदम टमाटर सबको तोड़ रहा है लाल लाल टमाटर, और अभी तो बस दो दो दिन में ही टमाटर टूट रहा है। और अभी देख सकते हैं दिखा भी रहा है कि टमाटर तोड़ने में इसको अच्छा भी लग रहा है, और बच्चे लोग को खास करके इस तरह का काम में भिड़ा दो तो बहुत ही ज़्यादा ही लोगों को अच्छा लगता है। तो अभी दिखाती हूँ आप लोग कितना सारा टमाटर अभी तोड़ा है, तो देख सकते हैं इतना सारा टमाटर एक दिन में निकला है, तो अच्छा लगता है। और घर में आप कोई भी चीज़ लगाओ फल फ्रूट या फूल पौधा, और जब खिलने लगता है फलने लगता है तो और भी ज़्यादा खुशी होता है। और अभी कुछ टमाटर अभी लगे हुए हैं, और अभी मैं चलती हूँ फ्रेंड नीचे, और इधर मेरा बाबू अभी पानी दे देता है सारे पौधों में। और अभी देख सकते हैं फ्रेंड मैं आ गई हूँ पुदीने का पत्ते तोड़ने के लिए, और अभी पुदीना का पत्ता तो थोड़ा बहुत सूख जा रहा है गर्मी के कारण, और अभी सुबह शाम पानी दे रही हूँ तो थोड़ा बहुत हरा होता है, उसके बाद तो फिर मैं तोड़ ही देती हूँ, कभी चटनी बनाने के लिए तो कभी बच्चे लोग के लिए नींबू पानी बनाती हूँ उसमें भी डाल देती हूँ। और अभी थोड़ा ही सा तोड़ के लाई हूँ, और इधर मैं तेल गर्म कर देती हूँ बाड़ा बनाने के लिए, और अभी जल्दी जल्दी से मैं बाड़ा बना लेती हूँ। तभी देख सकते हैं 10-15 मिनट के बाद इतना अच्छा मतलब पूरा फूल चुका है, और इसी तरह से बेटर एकदम अच्छे से सॉफ्ट भी हो जाता है। तभी बच्चे लोग बोल रहे हैं कि पहले मेदू बड़ा बनाओ मम्मी, इस तरह से बोल रहे हैं। और चाय छकनी में मेदू बड़ा बनाने के लिए बहुत ही आसान ट्रिक है फ्रेंड, बहुत ही आसान से मतलब रिंग बन जाता है। तो देख सकते हैं बस इस तरह से पानी छूने के बाद मैं बीच में होल कर दे रही हूँ, और बस इसको डालते ही तेल में चला जा रहा आराम से, चिपकता भी नहीं है। तो मेदू बड़ा बनाने का सबसे आसान ट्रिक यही हमको लगता है। तो इधर देख सकते हैं कितना अच्छा एकदम रिंग रिंग जैसा दिख रहा है। और अभी मैं फिर बाद में बनाऊंगी मैं दही बाड़ा के लिए, मैं कोफ्ता जैसे बनाते हैं उस तरह से ही बनाऊंगी, बस ये तो
थोड़ा बहुत बच्चे लोग इसी तरह से खाएंगे। धनिया पत्ती की चटनी अभी मैं पीसी नहीं हूँ, तो धनिया की पत्ती और पुदीने के पत्ती का मिक्स करके मैं चटनी बनाऊँगी। और ये तो अक्सर नारियल का चटनी के साथ और भी अच्छा लगता है। तो चलिए फ्रेंड, अभी जल्दी जल्दी दोबारा पहले निकाल लेती हूँ। तो देख सकते हैं कितना अच्छा दिख रहा है, रिंग रिंग जैसा। और जितना अच्छा दिखता है उतना अच्छा खाने में भी एकदम पकोड़ा जैसा क्रंची क्रंची लगता है। और उड़ीद दाल का अलग ही टेस्ट आता है। फिर मूंग दाल का बनाइए तो फिर वो टेस्ट उतना नहीं आ पाता है जितना उड़द दाल में विंदवाड़ा का टेस्ट ही आता है। तो इधर देख सकते हैं फ्रेंड, अब मैं बारा बना रही हूँ हाथ से। तो बस सिंपल ही इस तरह से ले लेके मैं भी बनाते जाऊँगी, जिस तरह से कोफ्ता में बनाती हूँ। और इधर अभी हस्बैंड जी के लिए भी मैं अभी नाश्ता लगा दूँगी, क्योंकि वो भी बोल रहे हैं कि जल्दी से नाश्ता पहले दो, बाद में फिर ये सब चीज़ खाएंगे इस तरह से। तो जब भी हस्बैंड घर में रहते हैं तो बस उनका फरमाइश ही होते रहता है, ये बनाओ वो बनाओ, और मुझे हर चीज़ बनाना ही पड़ जाता है। क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी लगता है कि जब भी लोग बोलते हैं कि ये बनाओ वो बनाओ खाने के लिए, तो मैं खुशी खुशी बना ही देती हूँ। और इधर देख सकते हैं लाल चाय बनाने के लिए मैं पानी चढ़ा दी हूँ, और इधर अभी चटनी पीसने के लिए भी मैं रख दी हूँ। और इधर अभी पानी में नमक और जो स्पेशल दही बाड़ा के लिए मैं मसाला बना के रखी हूँ उसको भी डाल देती हूँ। और ये बाड़ा बना के छोड़ दूँगी, मतलब डाल के 10 मिनट जैसे, ताकि अच्छे से जितना भी तेल होगा बारा में वो निकल जाएगा और पानी से एकदम अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा। और इधर मेरी लाल चाय भी बन के रेडी हो गया है। तो सबसे पहले तो अभी हस्बैंड जी के लिए ही मैं नाश्ता लगा देती हूँ। तो चलिए फ्रेंड, अभी नाश्ता करने के बाद फिर मैं मिलती हूँ आप लोग से। और इधर अभी नाश्ता करने के बाद मैं दही बाड़ा बनाने के लिए आ गई हूँ फ्रेंड। तो इधर देख सकते हैं जो मैं पानी में भिंगा के रखी थी बारा को, तभी उसको अच्छे से निचोड़ के निकाल ले रही हूँ। और देख सकते हैं निचोड़ने के बाद इस तरह से एकदम कलर आ जाता है, हल्का वाइट दिखने लगता है बारा। और जितना भी तेल था एक्स्ट्रा तेल, सारा तेल निकल चुका है। और इधर दही में मैं चीनी फेंट के रख दी थी, तो भी अच्छे से मतलब मिक्स हो गया है, तो उसको भी मैं डाल देती हूँ। और जब भी दही बाड़ा खाने का मन करता है तो हम लोग कोई त्यौहार या गर्मी या ठंडी कुछ नहीं देखते हैं, सिर्फ अगर खाना है तो हाँ चलो बनाना ही है, इस तरह से होता है। और अभी धनिया पत्ती की चटनी भी डाल दी हूँ, और इमली की मीठी चटनी जो कि बना के मैं हमेशा रखती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे लोग कभी पूड़ी के साथ खाना पसंद करते हैं, कभी रोटी के साथ मीठा चटनी, तो मैं हमेशा बनाती ही रहती हूँ बीच बीच में। और अभी मैं चाट मसाला सब डाल दे रही हूँ, लाल मिर्च पाउडर सब। और अभी देख सकते हैं कितना यम्मी यम्मी दिख रहा है दही बाड़ा। तो और आइए फ्रेंड दही बाड़ा खाने के लिए। और इधर देख सकते हैं को दे देती हूँ, उसके बाद मैं भी खाती हूँ। और आज के वीडियो में करती हूँ फ्रेंड यही एंड। उम्मीद करती हूँ कि आज के वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा। और मेरे चैनल में पहली बार आप लोग आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी तो नोटिफिकेशन आप लोग के पास पहुँच जाएगा। तो चलिए फ्रेंड, फिर मिलती हूँ मैं आप लोग से एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड।